नमस्कार, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो, बाला साहेब ठाकरे 2.0। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे की। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कहकर एक उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दे महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र अपितु पूरे देश की राजनीति में बवाल लाने के बाद एक बार फिर से राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अपनी बात रखी है और साथ ही साथ जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर भी स्पष्ट चेतावनी दी है। वहीं धमकी देने वाले कट्टरवादी इस्लामिक संगठन PFI को राज ठाकरे ने करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है तमाम अपडेट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से लाउडस्पीकर विवाद पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी लाउडस्पीकर हटवाने की मांग नमाज करने का विरोध नहीं है, वह बस चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई दंगा ना हो। उन्होंने कहा, हम महाराष्ट्र में कोई दंगे नहीं चाहते, किसी ने भी नमाज का विरोध नहीं किया, लेकिन अगर मुस्लिम अजान लाउडस्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिमों को समझना होगा कि मजहब कानून से बड़ा नहीं है, हम 3 मई के बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कहा, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों का जवाब उन्हीं ढंग में दिया जाना चाहिए, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगी। उन्होंने पूछा कि नमाज के लिए फुटपाथ की जरूरत क्यों है, घर पर पढ़ो। वह बोले कि प्रार्थना आपकी है तो हमें क्यों सुना रहे हो, अगर इन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती है तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है वो करो। उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम गृह विभाग को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए, 3 मई तक सारे लाउडस्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा बताया। वह बोले कि अगर एक दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से अजान होगी तो हम 5 बार लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने PFI पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को धमकी दे रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने हाथ नहीं बांधे हुए, अगर कुछ लोग पथराव कर रहे हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, अगर वे लोग हथियार के साथ हैं तो ये याद रखा जाएगा कि हम भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के इस बढ़ते हुए कद को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।